कीजिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. पड़ेगा ना. सो थैंक यू सर. अप्सरा इंडिया ये हमारा सीजन 6 है और हम लोग हमारे हर कंटेस्टेंट जो है उनको मोटिवेट करना चाहते हैं. मैं खुद मिसेस यूनिवर्स रह चुकी हूँ. मेरा साउथ अमेरिका में रजिस्ट्रेशन है और इसके बाद हम लोगों ने एसएस एसोसिएशन थ्रू हम लोगों ने ये जो पेजेंट ऑर्गेनाइज किए थे, ये पेजेंट में हम लोगों ने मेल एंड फीमेल दोनों ने पार्टिसिपेट किया था. हर एक कंटेस्टेंट के अंदर बहुत अच्छे पोटेंशियल्स है. इंडिया के अलग अलग जगह से कंटेस्टेंट आए थे लेकिन हम लोगों को विनर एक ही चुनना है. इसके लिए हम लोगों को एक एक विनर चुनना पड़ा. तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल. देखिए हम लोग जब भी विनर्स चुनते हैं तभी हम लोग खाली उनको खाली वो उनका वर्क नहीं देखते हैं, तो उनकी इनर ब्यूटी के साथ उनकी आउटर ब्यूटी भी हम लोग देखते हैं. आउटर एंड इनर ब्यूटी ये कॉम्बिनेशन से हम लोग विनर चुनते हैं. अप्सरा इंडिया में सारे हिंदुस्तान से सब अलग अलग प्रांतों से कंटेस्टेंट आए हुए हैं. ग्रूमिंग के बाद आज फिनाले के दिन तीन कंटेस्टेंट यानी तीन विनर अनाउंस हो गए हैं जो जो ज्यूरी के थ्रू चुने गए हैं. तो इनमें ये सारी खूबियां हैं जो एक ज्यूरी देखता है, जैसे कि उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका टैलेंट कैसा है, उनका वॉक कैसा है, उनका लुक कैसा है. तो विनर तो सभी है लेकिन क्या होता है कि आफ्टर ऑल जो बेस्ट होता है वही लेके जाता है. तो माय बेस्ट विशेज फॉर देयर फ्यूचर. उनको एक ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा मिला है. इसके थ्रू क्या है, इस प्लेटफॉर्म का जरिए वो लोग बहुत सारी अचीवमेंट फ्यूचर में उनको अचीवमेंट मिल सकती है. हम हमारी तरफ से उसको प्रमोट करेंगे एज वेल. इसके बाद उनकी भी मेहनत उतनी ही लगती है एक हाइट उनको एक लेवल पे जाने के लिए. हम लोगों का एसएस एसोसिएट का साउथ अमेरिका में वी आर रजिस्टर्ड एंड वी आर द नेशनल डायरेक्टर फॉर इंडिया फॉर यूनिवर्स. तो हमारे मेल एंड फीमेल कंटेस्टेंट अगर वो चाहेंगे, अगर वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, तो हम लोग उनको यूनिवर्स लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जरूर पहुँचाएंगे.